वेडनेसडे आ जाता है और हम सब लोग सेंट एक्सपेडाइट को याद करने लग जाते हैं। यूजुअली सेंट एक्सपेडाइट की प्रेयर आप कभी भी कर सकते हो, बट वेडनेसडे सबसे क्रूशियल उन्हीं को डेडिकेट करा जाता है। हे दालोवीज, हाउ आर यू ऑल गाइज। आज मैं आप लोगों को, सब लोगों को सेंट एक्सपेडाइट के रिचुअल के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप घर में रिचुअल कर सकते हैं, वेल एंड गुड। घर पे रिचुअल्स नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए, कैसे हम सेंट एक्सपेडाइट से बोलकर अपनी विश को 24 आवर्स के अंदर मैनिफेस्ट कर ले। जी हाँ, क्योंकि वेडनेसडे सेंट एक्सपेडाइट को डेडिकेट करा जाता है और इस दिन सेंट एक्सपेडाइट हमारी सारी विश को बहुत जल्दी सुनते हैं। साथ ही साथ मैं आज आप लोगों को सेंट एक्सपेडाइट का एक सबसे पावरफुल स्विच कोड भी बताने वाली हूँ। तो कंबाइंडली ये पूरा वीडियो मैं आपके लिए आज सेंट एक्सपेडाइट का बनाने वाली हूँ और एक सरप्राइज है एंड ऑफ द वीडियो टू ऑल माई लवीज आर्मी जो ये वीडियो देख रही हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि सेंट एक्सपेडाइट कौन है। सेंट एक्सपेडाइट एक ऐसे फादर हैं जो सारी विश को अर्जेंटली पूरी करते हैं। उनको चीजों को डिले करना या बाद में छोड़ते जाना पसंद नहीं है। ही ओनली वॉन्ट्स जो भी काम है सबसे जल्दी पूरा करो एंड देन आगे बढ़ो। सबसे अच्छी बात सेंट एक्सपेडाइट के रिचुअल की प्रेयर की यही लगती है कि कोई भी वर्क आपका डिले नहीं होता है और जल्द से जल्द आपकी जो भी विश है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। सेंट एक्सपेडाइट का रिचुअल जी की पूजा करते हैं। ऐसे ही वेडनेसडे का जो डे माना जाता है वो सेंट एक्सपेडाइट का माना जाता है। सेंट एक्सपेडाइट की प्रेयर को करने के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसलिए मैं आपको एक एक नाउ अब मैं यहाँ पे दो लोगों के लिए बताने वाली हूँ, मतलब टू कैटेगरीज ऑफ द पीपल के लिए बताने वाली हूँ इस प्रेयर को। पहली कैटेगरी उन लोगों के लिए जो घर में सेंट एक्सपेडाइट की प्रेयर पूरी फोटो के साथ, पूरे रिचुअल के साथ कर सकते हैं। फिर उन लोगों के लिए बताऊंगी जो घर पे फोटोज या रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकते बट वो भी एक मैजिक तरीके से अपनी ये विश फुलफिलमेंट कर सकते हैं। अगर आप घर पे सेंट एक्सपेडाइट का रिचुअल करना प्रेफर करते हैं तो आपको उनकी एक पिक्चर चाहिए पड़ेगी, एक रेड कैंडल, रेड नहीं तो व्हाइट कलर का कैंडल आप ले सकते हैं। एक ग्लास में वाटर होना मैंडेटरी है। आप प्लम केक्स रख सकते हैं, चॉकलेट्स रख सकते हैं, थोड़े कॉइन्स रख सकते हैं उनके सामने, उनकी ऑफरिंग करिए। ये वाली ऑफरिंग तब होगी जब हम उनकी प्रेयर घर में प्रेयर कर रहे हैं, बट मैं बताऊंगी सबसे इंपॉर्टेंट होता है वाटर रखना, कॉइन्स रख सकते हो, चॉकलेट्स रख सकते हो। अगर आपको प्लम केक्स नहीं मिल पाते हैं उनकी फोटो होना जरूरी है। फोटो नहीं है आपकी उनके पास, आप अपने फोन में भी रख सकते हैं, देयर इज नो इशू, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई नो लोग अपना जजमेंट पास करते हैं, कैसी बातें कर रहे हो, ये बातें कर रहे हो, आप बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि मायने आपके एफर्ट्स के लगते हैं, आपके दिल से जो आवाज आती है वो करते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप घर में पूरी चीजें सजा दो और प्रेयर आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो ऑलवेज रिमेंबर आपके एफर्ट्स मायने रखते हैं, उसके बाद आपको कुछ और करना है। अगर आप घर में प्रेयर करते हैं तो आप ये सारी चीजें वहां रख लीजिएगा। साथ ही में सेंट एक्सपेडाइट की प्रेयर आपको मिल जाएगी, मेरे भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी और आप बस नॉर्मली उनको अपनी प्रेयर बोलेंगे जो आप चाहते हैं। उसके बाद आपको उनको ऑफरिंग के लिए बोलना पड़ता है। अब ये सबसे बड़ा डाउट है लोगों का कि ऑफरिंग हमें कब करना होता है, कैसे करना होता है। जो सारी चीजें आप उनकी फोटो के साथ रखोगे तो जब आपकी प्रेयर खत्म हो जाएगी तो आप ये वाटर को प्लांट्स में डाल देंगे और जो खाने की वहां चीज रहती है वो आप ऑफरिंग में देंगे। अब ऑफरिंग में कैसे देंगे मैं आपको ये बता देती हूँ। जब भी आपकी विश पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी विश अंदर से आपको लगता है मैंने जो मांगा था वो मेरा पूरा हो गया है, उसके बाद आपको ऑफरिंग करनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले करना होता है बाद में करना होता है, जब आपकी विश पूरी हो जाएगी उसके बाद ही आप ऑफरिंग करेंगे। ऑफरिंग के लिए आप बोल दें कि आप क्या करना चाहते हैं। सबसे बेस्ट है मैं किसी नीडी की हेल्प करूंगा, मैं छोटे बच्चों को कॉइन्स दे दूंगा, चॉकलेट्स खिला दूंगा, पेस्ट्रीज खिला दूंगा, एनीथिंग। वो आप अपनी मर्जी से बोल सकते हैं जितनी आपकी श्रद्धा है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप कहीं जाके 500 दान कर रहे हो, 1000 दान कर रहे हो। अगर आप छोटे छोटे बच्चों को भी 10 रुपीज की, 1 रुपीज की टॉफी देते हो, सब चलता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तब आप ये ऑफरिंग्स कर सकते हैं, किसी भी नीडी की हेल्प कर सकते हैं, किसी भी बच्चे को दे सकते हैं, डजंट मैटर। बस ऑफरिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना ऑफरिंग के लिए कोई ये प्रेयर नहीं करेगा। हर चीज के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको हमें मानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप सेंट एक्सपेडाइट का रिचुअल करते हो डेफिनेटली आप
अपना ऑफरिंग जरूर दें। अब उन लोग के लिए बात करते हैं भाई फोटो का क्या करना है। फोटो आप अपने पास सेफली रख सकते हैं इफ यू वांट, और जो सारी चीजें आपने वहां रख रखी, कैंडल को आप पूरी जला सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं आधे में बंद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बस भले 10 मिनट प्रेयर करो लेकिन दिल से करो, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ मैंने प्रेयर आज करी है, भगवान ने मेरी सुनी है। हम ध्यान दे रहे हैं लेकिन डाउट्स आ रहे हैं, ऐसे प्रेयर बिल्कुल नहीं करना, कोई भगवान ना खुश होने वाला है ना आपको एंड में सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। सही बात बोल रही हूँ, बुरा लगेगा बट उसके लिए सॉरी, बट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, सब कर लेते हैं। इवन मैं तो ये भी बोलूंगी मत करो आप घर में इतना यू नो सब कुछ मत करो, अपनी फोटोज एंड ऑल मत लगाओ, आप बस दिल से सेंट एक्सपेडाइट को याद करो और उनका नाम लेके अपनी विश बोलो, वो वैसे ही जल्दी पूरी कर देते हैं। तो ये वाला मैंने प्रोसीजर उन लोग के लिए बताया है जो लोग घर में पिक्चर रखते हैं या पूरा रिचुअल करते हैं। अब उन लोग की बात कर लेते हैं जो घर में ये सारी चीजें नहीं कर सकते पर अर्जेंटली सेंट एक्सपेडाइट से हेल्प चाहिए। सेंट एक्सपेडाइट आपकी हर विश पूरी कर सकते हैं, इट इज रिलेटेड टू योर करियर, योर लव लाइफ, योर हेल्थ, मदर फादर, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज, सब के लिए सेंट एक्सपेडाइट आपकी हेल्प करते हैं। तो उसकी दिक्कत बिल्कुल मत करना, डाउट अपने अंदर बिल्कुल भी मत रखना। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज सेंट एक्सपेडाइट का स्विच वर्ड क्या है जिसको हमें चैंट करना चाहिए। तो स्विच वर्ड कुछ इस प्रकार है, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो। इसके थ्रू भी आप अपनी विश को कभी, इसका तरीका कुछ ऐसा होता है, पहले आप सेंट एक्सपेडाइट को अपनी विश बोलिए, अपनी प्रॉब्लम बोलिए जो भी है, उसके बाद आप बस इसको चैंट करेंगे लाइक पियर स्पीड रेनबो 108 टाइम्स भी चैंट कर सकते हैं, 5-10 मिनट्स के लिए भी चैंट कर सकते हैं। इसको अपनी कॉपी या जर्नल में भी ब्लू कलर के या रेड कलर के पेन से लिख सकते हैं, अपनी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पे भी आप इस स्विच वर्ड को लिख सकते हैं। बट आपको इस स्विच वर्ड को कम से कम 45 डेज तक रोज करना है, पीरियड्स में भी आप इस स्विच वर्ड को कर सकते हैं अगर आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है। ये एक सेंट एक्सपेडाइट का स्विच वर्ड है जो बहुत जल्दी काम करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो घर पे रिचुअल्स नहीं कर सकते, प्रेयर नहीं कर सकते। 40 डेज का टारगेट बनाइए, बट आई नो 40 डेज का तो आपको वेट ही नहीं करना पड़ेगा, सेंट एक्सपेडाइट इतनी जल्दी हमारी विश को सुनते हैं, उससे पहले ही आपकी विश पूरी हो जाएगी। बट अगर आप 40 डेज का सोचते हैं, बीच में विश पूरी हो जाती है आपको, अगर अपनी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पे या बॉडी के किसी भी पार्ट में एज एन आपको लेफ्ट साइड पे लिखना है, या तो आपका थाई हो सकता है, या आपके एल्बो हो सकते हैं, आपका शोल्डर हो सकता है, आपके हैंड्स हो सकते हैं, अगर हाथ पे लिखते हो या थाई पे लिखते हो सर्कल कर देना, कॉपी पे लिखते हो सर्कल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली कर सकते हो। तो ये कुछ स्विच वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, एक ही स्विच वर्ड बताया सेंट एक्सपेडाइट का जो बहुत जल्दी काम करता है, आपकी विश को इंस्टेंटली पूरी करता है। अब सबसे इजी मेथड बता रही हूँ जो कोई भी कर सकता है, किसी भी दिन कर सकता है, पीरियड्स में भी कर सकता है, और इसको करने का तरीका कुछ इस प्रकार है जो कि मैंने आगे वीडियो में बताया है। सो मैंने ये वीडियो स्पेशली सब लोगों के लिए बनाया है ऑन द ओकेजन ऑफ रिसीविंग मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज ऑफ सेंट एक्सपेडाइट रिचुअल। तो मैंने अब यहाँ पे क्या करा है, जो सारे लोग रिचुअल्स नहीं कर सकते, आपको बस ये मेडिटेशन को सुनना है जो मैंने आगे पुट करा है। अब इस मेडिटेशन को कैसे सुनना है वो मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस वीडियो में दिए हुए हैं। जब मैं बोलूंगी से और विश तब आपको अपनी विश बोलना है, जब मैं आपको बोलूंगी ऑफरिंग करना है तो ऑफरिंग का करने का तरीका कुछ इस प्रकार होगा। जब आपकी विश पूरी हो जाएगी आपको सिर्फ इस प्रेयर को एक ही बार करना है, लाइक आज आप एक बार कर लेना फिर इसको लेट गो कर देना, रोज रोज नहीं करना चाहिए। अगर बहुत अर्जेंसी होती है तो 9 डेज आप डेली कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, बट उसका तरीका कुछ और होता है जो कभी किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, इस मेडिटेशन को सुनना है, एयरफोन्स लगा के बैठ कर सुन सकते हो, लेट कर सुन सकते हो, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, और आप इस मेडिटेशन को रोज करेंगे, रोज नहीं एक ही बार करना है, दैट इज आज करेंगे। अगर 9 डेज का करते हो तो फिर आप रोज कर सकते हो। अगर आप इस मेडिटेशन को यूज करते हो तो आपको इसको पूरा सुनना है, उसके बाद मैं एक टाइम पे बोलूंगी ऑफरिंग दो, आप किसी की हेल्प के फॉर्म में करेंगे। लाइक एग्जांपल आप ये बोल सकते हैं, डियर सेंट एक्सपेडाइट जब मेरी विश पूरी हो जाएगी मैं किसी नीडी की हेल्प करूंगा, मैं किसी को खाने के लिए कुछ दे दूंगा, मैं छोटे बच्चों को चॉकलेट्स दे दूंगा, कोई भी एक चीज आपको बोलना है, लेकिन ऑफरिंग तभी करना है जब आपकी विश पूरी हो जाएगी।
मेडिटेशन को सुनिए और अपनी विश को बहुत जल्दी पूरा करिए। अगर आप ऐसे पर्सन है जिनकी लाइफ में सेंट एक्सपेडाइट ने आज तक अभी मिराकल करा नहीं है या रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, थोड़ा पेशेंस रखो। मे बी वो आपका एग्जाम ले रहे हैं, वो मे बी वो आपका टेस्ट ले रहे हैं, दैट डजंट मीन कि विश पूरी नहीं होगी, डेफिनेटली पूरी होगी। बट आपको ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है दैट वो आपके लिए काम कर रहे हैं, ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है। तो आप सेंट एक्सपेडाइट के रिचुअल को कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें आपको वीडियो में बता दी हैं। आगे मेडिटेशन भी आप कभी भी इस मेडिटेशन को सुन सकते हो एनी टाइम। और मैं हर वेडनेसडे ही आप लोग के लिए रोज रात को 9 बजे सेंट एक्सपेडाइट की प्रेयर लाती हूँ, तो एवरी वेडनेसडे यू ऑल आर ऑलवेज वेलकम। फ्री वर्कशॉप आ रही है हमारी 25th of September से, आई गेस आप सब लोग एक्साइटेड होंगे। और ये फ्री वर्कशॉप मेरी तरफ से आप सबके लिए एक नवरात्रि का गिफ्ट है जो आप सब लोग कर सकते हो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। तो आज मैंने आपको सेंट एक्सपेडाइट के रिचुअल के बारे में बताया है। अगर कोई भी डाउट क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप मेडिटेशन सुन सकते हैं। डियरेस्ट सेंट एक्सपेडाइट, इट्स योर डे। आई नो दिस डे इज रियली मिराकल्स। आज आप सबकी सुनते हैं, ये आज आपका दिन है जो हमें यहाँ लेकर आया है। थैंक यू सो मच सेंट एक्सपेडाइट फॉर एवरीथिंग दैट यू ऑलवेज डू फॉर मी एंड फॉर माई लवीज आर्मी। टुडे आज मैं आपसे अपने दिल की बात, आज मैं आपसे कुछ एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है। आई डोंट नो ये चीज़ मेरी लाइफ में कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, बट आई ट्रस्ट यू दैट आप मेरे को ला कर दोगे। आई हैव ट्राइड अ लॉट मैनी थिंग्स, आई हैव डन अ लॉट मैनी थिंग्स, बट नाउ मैं आपके पास आई हूँ। यू आर ऑलवेज माई लास्ट होप। सब कुछ करने के बाद एक आप ही होते हैं जिनके पास हम आते हैं। आप एक लास्ट होप भी हैं और एक ऐसी होप हैं जो हमारी विश सबसे जल्दी पूरी कर देते हैं। डियरेस्ट सेंट एक्सपेडाइट, आज मैं आपसे एक बहुत ज़्यादा क्विक हेल्प चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अपनी विश बोलिए, अपनी विश बोलिए, वट एवर इट इज अपनी विश बोलिए। सेंट एक्सपेडाइट, जो मैंने भी आपसे मांगा, जो अभी करंट एनर्जीज के थ्रू मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ, मैं अब उस चीज़ के लिए एक भी दिन नहीं वेस्ट करना चाहती। मैं जो चाहती हूँ प्लीज़ मुझे दे दीजिए। मुझे आपकी पावर, मुझे आपका वर्क, मुझे सब कुछ पता है। मैं आपका नाम हर जगह स्प्रेड करूँगी जब मेरी विश पूरी हो जाएगी। मैं आपका नाम बार बार हर इंसान को बताऊंगी क्योंकि आपने मेरी अनएक्सपेक्टेड विश पूरी करी है। मुझे पता है ये मेरी विश सारी अच्छाई, सारा प्यार, सारी इज्जत सबसे जल्दी मुझे ला कर देगी। ग्लोरी टू यू सेंट एक्सपेडाइट, इट्स योर डे एंड आई एम योर्स, इट्स योर डे एंड आई एम ऑल योर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब मेरी ये विश पूरी हो जाएगी, नाउ से द ऑफरिंग जो आप करेंगे, किसी नीडी की हेल्प करेंगे, किसी को चॉकलेट्स देंगे, किसी को कॉइन्स देंगे, वट एवर इट इज, आप सेंट एक्सपेडाइट को बोलिए। से इट राइट नाउ। अब जब आपकी विश पूरी हो जाएगी, कंप्लीट पूरी हो जाएगी, उसके बाद ये आप ऑफरिंग देंगे जो अभी आपने उनको बोला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सेंट एक्सपेडाइट, आई लव यू। पियर स्पीड रेनबो, 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 पियर
स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर
स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो, पियर स्पीड रेनबो। सो आई होप अब आपने मेडिटेशन सुन लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। सेंट एक्सपेडाइट को हमने हमारी विश बोल दी है, अब बिल्कुल भी इस बारे में मत सोचो, छोड़ दो, लेट गो कर दो, वो खुद आपके लिए मिराकल कर देंगे। जितना इस बारे में सोचोगे अरे मैंने बोल दिया है वर्क नहीं कर रहा है, और डिले होता जाएगा। इसलिए डू नॉट थिंक अबाउट इट, जस्ट लेट इट गो, खुद ब खुद सेंट एक्सपेडाइट आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मिराकल करने वाले हैं। कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, और मेरी बच्चा पार्टी, मेरे सारे स्टूडेंट्स जो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्साइटेड हो जाओ, अगला टर्न अप आपका है। राधे राधे।